दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय ICS कोचिंग सेंटर, सरकारी नौकरी की पक्की गारंटी। नमस्कार, मैं हूं कुमार और स्वागत है आपका हरियाणा बीट्स के स्पेशल गेस्ट प्रोग्राम में। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, एवरग्रीन सुपरस्टार देव कुमार देवा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा बीट्स के स्पेशल गेस्ट प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आज आप एकदम जो हरियाणा में बोले ना चाणचक जी, चाणचक आए और आपने मेरा बर्थडे जो उसको सेलिब्रेट किया है, इसके लिए आपकी टीम का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हरियाणा बीट्स को देख रहे दर्शकगण हैं उन सब को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम, क्योंकि इतना प्यारा गिफ्ट दिया है इन्होंने, क्योंकि आज मेरे से जन्मदिन के बारे में और विचार भी किया, और आज मेरे जैसे व्यक्ति, गाँव से उठे हुए व्यक्ति का किसी टीवी चैनल पर जन्मदिन सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी तो सर, एक आप मानते हो कि आज आपका जन्मदिन भी है और एक इतना जो बड़ा फैसला देश में तहलका मचा है 370 को लेकर, सर तो सर वो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले उस पर मैं आपका रिएक्शन जरूर लेना चाहूँगा। 370, क्योंकि मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि यो न्यू मान लो कि कश्मीर के जो हमारा एक हम अभिन्न अंग बोलते हैं, लेकिन वो अभिन्न अंग भारत का नहीं था, और इसको आज इस सरकार ने, भारत की सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और जितने भी उनके मंत्रालय में और जिन्होंने इसके लिए वोट किया, उन सब का तहे दिल से बड़ा धन्यवाद, क्योंकि उस अभिन्न अंग को जो कहते थे वो था नहीं, लेकिन आज के दिन या जो 5 तारीख को फैसला लिया गया, 7 को मेरा जन्मदिन और 5 को ये फैसला लिया गया, मैं सौभाग्यशाली हूँ। हमेशा याद रखूँगा कि भारत में एक अगस्त में 1947 में हम आज़ाद हुए थे और आज हमारा कश्मीर स्टेट भी आज़ाद हो गया है, सही मायनों में आज़ादी मिली है, तो बड़ी खुशी है, ज़बरदस्त। जन्मदिन तो भूल चुका था मैं, आपने याद दिलाया, क्योंकि 2 दिन से इसी मामले में घुसे हुए थे कि धारा 370 साफ अंत हो गया, जय जय भारत माता की। ये बहुत बड़ा, ये मेरा सबसे बड़ा, मेरे को तो सरकार ने गिफ्ट दिया है जी। कि जिसका भी जन्मदिन है आजकल में, उन सबको सरकार ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है कि अपना जो अंग था उसे अपना वाक्य में बना लिया, तो मोदी सरकार को सैल्यूट है और आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने ये ऐसा प्यारा सा सवाल पूछा जो कि जज्बे और जज्बात से भरा हुआ जी। बिल्कुल सर, सही बात की आपने। तो सर, अब थोड़ा सा आपके बारे में बात कर लेते हैं जी। अच्छा, तो फिर जिस दिन आपका जन्मदिन का जो स्पेशल शेड्यूल, मतलब कुछ रहता, कुछ प्लानिंग, क्या क्या करना है इस दिन, कैसे मनाना है सब कुछ? आज के जन्मदिन का मुझे सुबह ही पता चला है। अच्छा, शेड्यूल कहाँ बनाया? सुबह मैं जिस टाइम पे उठा तो उस टाइम पे पता चला कि ऐसे ऐसे मेरा जन्मदिन है, फेसबुक से, व्हाट्सएप से और सोशल मीडिया से, कुछ फोन कॉल से पता चला। लेकिन हर बर्थडे के दिन ऐसा होता है कि सेलिब्रेशन होता है, 2-3 मंडली में साथी आते हैं, कोई कलाकार आ रहा है तो कोई फैन आ रहा है, कोई दोस्त आ रहा है, फैन तो क्या, हरियाणा में दोस्त ही सारे युवा आ रहे हैं, तो एक बर्थडे मनाया, केक काटा और हो गया। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ आपकी थोड़ी देर कलाकारी के लिए बातचीत करना, या फिर कोई जैसे आज है स्टूडियो मेरा एक गाना के ऊपर म्यूजिक बनाना, तो वहां मुझे जाना, तो शेड्यूल वही चल रहा है। लेकिन एक समय निकलता है 5-6 घंटे का कि सुबह से वो 5-7 घंटे 12-1.5 बजे तक जो आने वाले हैं, जो साथी मिलने हैं, उनका टाइम होता है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि देव कुमार देवा जी का कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे इस लाइन में आना आपका तय हुआ, कैसे आए सर इस लाइन में? इस लाइन में क्योंकि भाग्य लेके आता है, मैं कुश्ती का खिलाड़ी रहा हूँ, नेशनल तक स्कूली नेशनल खेला, और उसके बाद कंधे में चोट लगने के बाद, चोट भी शायद इसीलिए लगी थी कि इसी लाइन में आऊँ। मेरे बड़े भाई रागनी के, दर्शकों को पता होगा कि बड़े भाई रागनी के अच्छे रागनी गायक रहे हैं, और उनके बाद उन्होंने स्टेज छोड़ दिया, रागनी छोड़ दी, तो उसके बाद एक नया जोनर आया, CD फिल्में, यूट्यूब पे गाने बनाना, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो वो एक खालीपन महसूस हुआ कि घर एक कलाकार था, परिवार में एक कलाकार है और उसने छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद उस सुविधा को आगे बढ़ाते हुए और इस लाइन में रुचि ली, और लाइन में रुचि लेके आज आपके सामने
आप बोल रहे हैं, पूरा हरियाणा उत्तर भारत बोल रहा है एवर ग्रीन स्टार, लेकिन इन लोगों का जो तगमा है, ये प्यार है, ये बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने दिया है। और आज आपने भी बताया कि मल्टी डायरेक्टर एक्टर राइटर ये शौक के लिए कर लेता हूँ सिंगिंग। वैसे तो ये है कि हर विधा से जुड़ के इन दर्शकों से जुड़ा रहूं, इनका मनोरंजन कराता रहूं आपके चैनल के माध्यम से भी और भी यूट्यूब चैनल उनके माध्यम से, और इसी प्रकार इस लाइन में आना हुआ। तो सर अगर बात करें आपका जो पहला जो प्रोजेक्ट रहा जी इंडस्ट्री में, तो वो कैसे, उसके पीछे की क्या बैक साइड स्टोरी रही, वो कैसे स्टार्ट हुआ, हो सका आपका? सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरा सीख बिरानी एक लघु फिल्म बनी थी 2003 में जी, और उसमें मैं अपने बस स्टैंड पे था, तो जो डायरेक्टर था और जो कहानीकार थे, जो प्रोड्यूसर थे, उनकी पूरी टीम थी, और उनका जो एक्टर था मेन लीड का एक्टर था वो उस टाइम पे भाग गया या काम करना नहीं चाह रहा था। अच्छा। और नसीब ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई साहब आप, मैं मंचन करता था वहाँ हरियाणा सांस्कृतिक प्रोग्राम मंडली में, तो उन्होंने कहा कि भाई आ जा तू आज वीडियो के सामने, तो मुझे मौके की तलाश थी, मैंने लपक लिया। पहला प्रोजेक्ट सीख बिरानी एक लघु फिल्म, फिर उसके बाद रुचि और बढ़ती गई क्योंकि लोगों ने कि देव कुमार देवा है, देवा डिगल लिया है, मेरा गांव डिगल है, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो उसके बाद नशेड़ी भाई हाई ये क्या, अनेकों दर्जनों मेरे लघु फिल्में आई, पहले सीडी फिल्में चलती थी जी। ये रहा। उसके बाद 2011-12-13 में मुझे सिंगिंग, क्योंकि लघु फिल्मों का दौर चला गया था और ये हुआ था कि यूट्यूब का जमाना आ गया और ट्रैक वन ट्रैक जो म्यूजिक बनने लगा, फिर उसमें डीजे सॉन्ग, हाँ डीजे सॉन्ग में आना। जी, जी जी जी। तो सर अगर फैमिली की बात करें सर आपका, तो कितना सपोर्ट आपको फैमिली की तरफ से मिला इस लाइन में आने के लिए, क्योंकि आप एक रेसलर थे, तो रेसलर और म्यूजिक बिल्कुल दो अलग अलग ट्रैक हैं, तो कैसे इनका संगत? फैमिली का हर जगह सपोर्ट रहा है, कि फैमिली का ही नहीं, मेरे पूरे गांव का, आसपास के गांव का भी सपोर्ट रहा है, कि जहां भी कभी प्रोग्राम होता है तो आसपास के गांव भी जुट जाते हैं। अगर किसी प्रोग्राम में मुझे नहीं बुलाया जाता आसपास के गांव में, तो वहां के लोग इकट्ठा होकर ये कहते हैं भाई देवा को तो बुला लेते, अपना है जी। तो ये अपनापन मुझे, मैं पहला ऐसा कलाकार मानता हूँ कि मुझे सबसे बड़ा अवार्ड ये मिला कि मेरे आसपास के गांव भी मेरे साथ, और मेरे परिवार में मेरी माँ थी वो भी मान के चलो कि म्यूजिक की बड़ी शौकीन थी, जो गीत होते हैं, जो अपने लोक गीत होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से ब्याह शादी में गाया करती, तो उसका रुचि थी, तो मन में यह था कि चल बेटा कर ले। उसके बाद मेरी शादी हुई, शादी के बाद मिशीज ने भी, आज 7-8 साल हो गए हैं, मिशीज भी पूरा सपोर्ट नहीं था, मैं यहाँ कहाँ बैठा पाता, आजकल तो ये मिशीज वाले झगड़े बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो लेकिन यहाँ मेरे घर में ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया माहौल मिला, भाई का सपोर्ट मिला, सबका सपोर्ट मिला, तब जाके एक ये आप के कोई इंटरव्यू देने लायक आदमी बना है जी। तो सर जैसे बात की जाए पंजाब की इंडस्ट्री, तो वहाँ पे आपने अपना योगदान वहाँ पे दिया पंजाबी फिल्म में जी, तो सर उस वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे ये लगा कि हरियाणा बहुत जल्द उस मुकाम पे पहुंच सकता है। वहाँ वैनिटी वैन थी 2-3 कलाकारों के लिए, मैं 2 फिल्में की हैं, पंजाब एक्स और साड़ी मर्जी। साड़ी मर्जी रिलीज हो चुकी है, युवराज सिंह के फादर योगराज जी उसमें मेन उसमें थे, और अनिरुद्ध माकन भी उसमें मेन लीड में वो थे, तो आरबी संगा बहुत अच्छी फिल्म। और वहाँ जब तकरीबन 15 दिन का शेड्यूल था मेरा शूट करने का, तो एक माहौल देखा कि हर चीज़ अपनी जगह पे कानून के तरीके से, हमें सिर्फ हरियाणा इंडस्ट्री को मैं ये देखता हूँ कि सिर्फ उस कानून में आना है, उस चीज़ों को जो टेक्निकल चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेके आना है। हरियाणा इंडस्ट्री आज पूर्ण रूप से पंजाब के करीब खड़ी है, केवल मात्र यहाँ अच्छी फिल्में, अच्छे डायरेक्टर, अच्छी टेक्निकल, वो अच्छे म्यूजिक उनकी ज़रूरत है, तो बहुत जल्द पंजाब के बराबर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री खड़ी होगी, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी होगी, थोड़ा सा फ़र्क है जी जी, वो मिट जाएगा। तो सबसे पहले तो आई थिंक उसके लिए मतलब क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी उसको लेवल तक पहुँचाने के लिए, तो हरियाणा जो कलाकार हैं तो उनके लिए क्या जरूरत है कि पहले जैसे ऑडियंस से भी प्यार मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर पंजाबी फिल्मों की बात की जाए तो इंडिया में तो पसंद किया जाता है, इंडिया से बाहर भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ, मेरा व्यू यही होता है कि सरकार की मदद, जैसे अभी सरकार ने पॉलिसी शुरू की है, देखते हैं वो पॉलिसी कैसी आएगी, क्योंकि पहली बार किसी सरकार ने पॉलिसी बनाई है हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्में बनाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान, यहाँ के सिनेमाघर हैं उनके अंदर फिल्म जरूर लगे, अनिवार्य की जाए,
महाराष्ट्र की तरह और भी कई प्रदेशों में पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही है, तो इसी प्रकार ऑडियंस सिनेमा हॉल तक तब आएगी। हमको ये नहीं सोचना कि नेशनल अवार्ड के लिए केवल मात्र सब्सिडी के लिए फिल्म बनाई जाए, हमें इंटरटेनमेंट फिल्म बनानी होगी, कमर्शियल बिजनेस के लिए फिल्म बनानी होगी, और यहाँ का गांव से लेकर शहर कस्बे का हर जगह से फैमिलियों को लेकर आना पड़ेगा। जैसे पंजाब की फिल्में बनती है तो वहाँ की फैमिलियाँ शहर से भी और कस्बे से भी और गांव से भी निकल के फिल्में युवा भी देखते हैं। हम जो सिनेमा आज तक बनाते रहे वो सिनेमा वही है कि या तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर बेटियों को आगे बढ़ाओ, या नशे से दूर जाओ, या कोई और सोशल मुद्दा उठा के हम कहते हैं कि फिल्म उसको लोग देखने जाएं, क्योंकि सोशल चीजें होती हैं वो। जैसे हम खुराक लेते हैं, कोई भी भोजन लेते हैं, आज ये लिया आज ये लिया आज ये लिया, लेकिन आप रोटी हमेशा खाते हो, तो कमर्शियल सिनेमा जो है वो आप ये मान के चलिए अनाज की तरह है, तो उसको जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री में कमर्शियल एक्शन फिल्में, कॉमेडी फिल्में, लव पे फिल्में, न कि केवल मात्र अकेला सोशल मैसेज हो। आप सोशल मैसेज देखोगे दक्षिण की फिल्मों में, पंजाब की फिल्मों में सोशल मैसेज है, लेकिन लोगों को इंटरटेन करने वाला, तो इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, और अब सरकार भी सब्सिडी देने लग रही है, तो मेरे जितने भी डायरेक्टर हैं कहानीकार हैं उनसे प्रार्थना है कि केवल मात्र अपने आप को बचाने के लिए कि फिल्म बन जाएगी, सरकार की सहायता कर देगी, नेशनल अवार्ड इस कैटेगरी मिल जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में हरियाणवी को मिल ही जाता है, तो वो मिल जाएगा, बस अपना पैसा पूरा। इस चीज को छोड़ के जितने भी मुझे डायरेक्टर या इस विधा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और दर्शकों से भी निवेदन, अगर ऐसा कोई कमर्शियल सिनेमा हरियाणा में बने तो बढ़ चढ़ के सिनेमा हॉल तक पहुंचे, टिकट खिड़की तक जरूर पहुंचे, अंदर जाके देखे, ऐसे अगर वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा आपके एजुकेशन के बारे में हम बात करना चाहेंगे, तो कितना इंटरेस्ट रहा एजुकेशन में आपका? एजुकेशन में अपने हरियाणा में बोलते हैं लोफर, लोफर मिस करता है जो मैं हर घंटी हर सब्जेक्ट की घंटी मिस करता है, 12वीं तक मेरी एजुकेशन है, उसके बाद मैं हरियाणा जर्नलिज्म से जुड़ के एक स्टिंगर के रूप में सिटी झज्जर एज ए दैनिक जागरण पत्रकारिता करी, एक न्यूज़पेपर में दैनिक पेपर उसमें, उसके बाद आगे बढ़, लेकिन स्कूल टाइम में मैं अपना शनिवार का टाइम होता था वो मैं पूरा दिन स्कूल में बिताता था, क्योंकि शनिवार को हमारा सिर्फ एंटरटेनमेंट होता था, चुटकुले सुनाना, कुछ गाना बजाना, नाट्य करना, उसके अलावा बाकी के दिन होते थे बाल भारती वगैरह ऐसे बोलते थे। हाँ, जो भी जो अपना अध्यापक जो स्ट्रोंग होता था, जिसकी पढ़ाई में हमें गणित बहुत वो था, इंग्लिश का वो था, जो जो ठीक ठाक पढ़ लेते हैं उसमें तो बैठ जाता ना, बाकी मैं स्कूल से बाहर या स्कूल के अंदर किसी न किसी क्लास में छुप के, इसलिए पढ़ाई में ज्यादा वो नहीं हो। फिर उसके बाद जब रुचि हुई तो फिर घर का जो एक आर्थिक हालात थे वो बहुत माड़े थे, उन क्योंकि फादर साहब भगवान को प्यारे हो गए थे, जमीन में भी कुछ जमींदारी जो थी किसानी जो थी वो भी हल्की होगी, और माँ के पास दो बेटे और ऊपर फादर का वो न होना, इसलिए पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, घर की जिम्मेवारियां देखनी पड़ी, तो 12वीं तक पढ़ के और पढ़ाई से आउट होना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे पेपर के जरिए, टीवी के जरिए, अखबार के जरिए, जो भी चीजें हैं उनके जरिए कुछ न कुछ पढ़ता रहा, और आज दुनिया को जानता हूँ। हरियाणा में कहते हैं एक पढ़ा होता है एक कढ़ा होता है, तो मैं उस कढ़े की गिनती में थोड़ा बहुत हूँ, वो भी बुजुर्गों के मान सम्मान से। जी बिल्कुल जी। अच्छा, अगर बात की जाए आपके जो स्कूल टाइम की 12वीं तक की, तो उस वक्त रागनी वगैरह का आई थिंक जोर रहता था स्कूलों में उस टाइम पे बहुत ज्यादा, तो आप भी ऐसे गाते लेते थे रागनी उस वक्त? रागनी गा लेता था, लेकिन मतलब मुझे रागनियों से आगे निकलना था। मैं गुरदास मान साहब को और पंजाब के बहुत से बड़े सिंगर उनको देखता, उन्होंने बदलाव किया वाद्य यंत्र में, अपने यहाँ मटका जैसे मैंने यहाँ रखा है ऐसे ही यहाँ मटका पे एक टीप गढ़वा गढ़वे के ऊपर टीप बांध के वो चीजें वो बजाना काकर करना वो बड़े लंबे समय से चल रहा था। एक बदलाव की जरूरत थी जो अब बदलाव हो चुका है। आज हरियाणवी म्यूजिक जो है वो पूरे इंडिया में बज रहा है। मेरे प्रोग्राम सूरत में, राजस्थान में, आप ये मान के चलिए यूपी दिल्ली हर जगह हो रहे। पहले एक सीमित था और बहुत कम वो था, आज हर कलाकार हरियाणा का बहुत ऊंचाई पे है, जितने भी साथी कलाकार जबरदस्त तरीके से वो बदलाव चाह रहे हैं, और बदलाव हो गया। मैं उस बदलाव को रागनी में मेरी रुचि में सुनता हूँ, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक बदलाव एक फोक को पॉप में जोड़ना चाह रहे थे, वो अब जुड़ गया है। 2000
13-14 से जितने भी हरियाणा के कलाकार आए उन्होंने एक नई विधा को जन्म दिया और उस विधा ने पूरे भारत में हरियाणवी का डंका बजाया है। तो आप किसे मानते, किस व्यक्तित्व ने आपको प्रेरित किया, कौन किसे आप मतलब अपना गुरु मानते इस लाइन में? मैं गुरु मेरे सभी हैं जो अच्छे सीनियर हैं उन सबको गुरु मानता हूँ, क्योंकि स्वर्गीय राजीव राठी जी जिन्होंने मुझे, वो लिखते थे तो राइटर थे, बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने मेरा साड़े आजा सॉन्ग लिखा जो बड़ा सुपर डुपर हिट रहा, उन्होंने हुक्का भर लिया लिखा और अनेकों उनके सॉन्ग उस टाइम पे डीजे पे बजे और वो उनसे कुछ सीखने को मिला, तो वो भी मेरे ये मान के चलिए गुरु रहे हैं जिनसे मैं मुझे कुछ सीखा। पर्टिकुलर मैंने किसी को पगड़ी नहीं दी, मामला क्या था कि आपसे भी सीख रहा हूँ मैं आज, आपसे जो बातचीत हो रही है, छायाकार से भी सीख रहा हूँ, दर्शकों से भी सीखता हूँ, तो उसी प्रकार कुछ ज्ञान इधर का जुटा के आगे बढ़ा हूँ। तो जितने भी सीनियर हैं उनसे प्रेरित मैं, भाई थे रागनि गायक उनसे भी हुआ, उसके अलावा सुनील दुजानिया स्टेज के बाद से आते बहुत अच्छे थे, राजेंद्र खरकिया जो रागनी के, मैं उनके स्टेज देखता था, पालेराम दैया, इन लोगों को और बहुत से रागनी गायक थे उस टाइम पे, उनको देखता था तो ये लगता था कि भी सुरेश भाई को, इन सब को, तो कि कभी मैं भी उस माइक के वहां खड़ा हूँ और दर्शक ताली बजाएंगे, तो वो एक जुनून था, उससे आपके सामने ये देव कुमार देवा है। तो चलिए आपने उसका जिक्र तो कर दिया है, तो हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, पहली बार जब आप स्टेज पर गए गाने के लिए तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था, कैसा वो रिएक्शन था उस वक्त? पहली बार स्टेज पे गया क्योंकि मैं इतना परिपक्व हो चुका था स्कूल टाइम में कि मैं स्टेज देख लूं वो करूं, जिस टाइम पे मेरे गाने चलने शुरू हुए और मुझे प्रोग्राम मिलने शुरू हुए, तो पहला जो प्रोग्राम किया उस प्रोग्राम में जब दर्शकों को देखा ऐसा लगा कि आज एक सपना पूरा हो रहा है, कुछ लोग अंदर हिचक हो जाती है, नहीं मुझे भय नहीं हुआ, मुझे तो सिर्फ वो सपना था, मैं उस सपने के सामने खड़ा था और कम से कम 5-6 हजार दर्शक सामने थे, एक ऐसा एहसास हो रहा था मेरे पैर जमीन पे नहीं थे, मैं आसमां हवा में था, पता नहीं उस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, लेकिन उस प्रोग्राम के बाद मेरे पास प्रोग्राम आते रहे और अच्छे तरीके से प्रोग्राम टैकल करता रहा। मैं ऐसा बड़ा सिंगर नहीं हूँ, बड़ा राइटर नहीं हूँ, बड़ा एक्टर नहीं हूँ, बड़ा डायरेक्टर नहीं हूँ, इन सब को मिला के कॉकटेल बनता है, थोड़ी सी विदाइए थोड़ी सी विदाइए, मैं हंगा करके गा लेता हूँ, मैं हंगा करके डायरेक्शन कर लेता हूँ, मैं धक्का करके लिख भी लेता हूँ, बहुत सी चीजें करके, उस कॉकटेल को देव कुमार देवा कहते हैं और वो कॉकटेल जब मजा देता है स्टेज के ऊपर तो दर्शक तालियां बहुत ज्यादा तालियां मिलती हैं, सीटी मिलती हैं, तो वो जो वो मजा है वो मुझे पता ही नहीं चल रहा, और परमात्मा की कृपया है, मैं आज भी मैं बताऊं परमात्मा की कृपया, क्योंकि मैं अभी 30 दिन के लिए व्रत में हूँ, व्रत है बाबा भोले का सामन सामन, तो मैं परमात्मा को बहुत मानता हूँ, उनकी कृपया है, मैंने कुछ होते हुए भी एक बड़ा मंच दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर बात की जाए देव कुमार देवा जी की जी, तो वो खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं म्यूजिक के अलावा? म्यूजिक के अलावा खाली टाइम में मैं कोशिश करता हूँ परिवार के साथ रहूं, दोस्तों के साथ बैठूं, टीवी देखूं, टीवी में समाचार जो न्यूज चैनल है उनको देखता हूं मैं, और आजकल तो आपका चैनल हरियाणा बीट से इस चैनल को देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि मेरा गाना कब आएगा ये रहता कि मेरा गाना आपके चैनल पे कब आएगा, इस तरीके का दिन कटता है ये रहता। अच्छा, तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हरियाणा में जैसे बहुत से नए नए कलाकार भी आ रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ कुछ दम है, कुछ आगे बढ़ सकता है कुछ उनके लिए? बहुत ज्यादा दम है, अब जो नए कलाकार आए हैं उन्होंने जबरदस्त काम करना शुरू कर दिया है और इतना बूस्ट पाया है कि उछाल आया है, ये मान के चलो कि जो 2-3 अब नए कलाकार आए हैं जिन्होंने, मैं गुलजार छानेवाल और गोस्वामी सुमित गोस्वामी, दिलेर खरकिया, ये तीन, इसके अलावा 6-7 और आए, लेकिन इन तीनों ने एक साथ में 3 कलाकार इस तरीके से उभर के आना, ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा साइन है उसकी सफलता का। और एक समय में अगर 3-3 कलाकार स्टार डम लेके आए और ऐसे छा जाएं तो ये हरियाणा की इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी, क्योंकि युवाओं में दम है, जितने मेरे साथी छोटे भाई ला रहे उनमें दम है, और ये अब ये आप ये देखो कि अब तो नाका टूटने वाला है, फिल्में भी बनेंगी, सारे काम होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया सिंगर भी आने लग रहे हैं, रैपर आने लग रहे, और ये जो
एक विधा आई है, ये नए हरियाणा का जन्म है। जी जी अच्छा, तो मैं जानना चाहूंगा सर आपसे और दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपके जितने अभी तक जितने भी सॉन्ग आए हैं, कौन सा सॉन्ग आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा है? देखो एक कलाकार को हर सॉन्ग, जैसे बाप को सारे बालक सारे बालक अच्छे लग गया रहे, वो एक थोड़ा सा मोहनी हो जाता कि उसमें हाँ ये थोड़ा सा होता है मेरे दिल के करीब हो जाता है, जैसे माँ का छोटे में पिता का जैसे बड़े दिल के करीब। मेरा सबसे पहले जो बड़ा हिट रहा हुक्का भर लिया, वो आज भी मेरे दिल के करीब है जी। उस सॉन्ग को, क्योंकि उस सॉन्ग ने मुझे पूरे हरियाणा उत्तर भारत में पहचान दी, और वो शब्द भी बहुत अच्छे हैं कि कोई तो उसको याद करे अपनी महबूबा को दारू पी के, कोई करे नशे उस तरीके करके, हमने जो अपना अपना फोक में पहचान है, जो अपनी पंचायत का एक चार आदमी बैठे और एक हुक्का उतनी को में पांच बैठे हैं, तो उसको एक इंसान के रूप में हुक्के को जाना जाता है। उस हुक्के को मैं स्वर्गीय राजीव राठी जी ने शब्दों को पिरोया, उसको फिर मेरे से गायकी करवाई, सहगल साहब ने गायकी करवाई। आज भी सभी सॉन्ग प्यारे, बहुत अच्छे सॉन्ग है, लेकिन हुक्का सॉन्ग जब भी कहीं पे सुनता हूँ, स्टेज पे बजता है या किसी ट्रैक्टर पे बजता है, तो महसूस होता है कि ये असली तो मैं ये हूँ, तो वो चीज हुक्का भर। अच्छा, तो जैसे आपने शो के बारे में बताया, आपका सैकड़ा पूरा हो चुका है, तो कोई शो के दौरान कोई ऐसा फनी कोई आपके साथ कुछ घटना घटी हो जो आप जब भी याद करते हैं हंसते रहते हैं? मैं हर शो में एक नई घटना मेरे साथ बनती है, लेकिन मैं जिस शो की बात कर रहा हूँ, राजगढ़ के पास तारानगर में, राजस्थान में तारानगर में, मुझे पता नहीं था मेरा शो है। अच्छा। कंपनी वाले आ गए कि आपको चलना है यहाँ तक भिवानी तक, और वहाँ पे जो मेन जो कलाकार और बाकी थे मेरे अलावा, उसमें हरियाणा ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया और इंडिया और वर्ल्ड की जो हरियाणवी को प्रमोट किया है बहुत जबरदस्त, सपना चौधरी का भी वहाँ प्रोग्राम था, मान के चलो कि उन्हीं का प्रोग्राम था, उन्हीं के थ्रू मुझे कि भी उनको भी परफॉर्म करना है, तो कमेटी ने कहा होगा, तो वो लेके गए, मुझे पता चला भिवानी जाके कि हम राजगढ़ जा रहे हैं, आपका प्रोग्राम है, आपकी टीम आगे जा चुकी है, तो वहाँ पे पहले तो बताना था, मैं कपड़े भी ऐसे वैसे पहन रहा जिसमें पता ही नहीं चला कभी, यार मेरे को बदलना था थोड़ा बहुत कुछ, एक आनंद फानन में वहाँ भिवानी से एक टी शर्ट लिया, वो डाला और पहुँच गई। मैंने फोन किया मैनेजमेंट के पास कि सपना से पहले मुझे, क्योंकि एक तूफान सच्चाई है, एक तूफान, और कि मैं स्टेज पे वो जाने से माहौल हथियार वो हो जाएगा, वो आने के बाद तो माहौल नहीं रहेगा, माहौल बिगड़ जाए। लेकिन भाग्य में ऐसा हुआ कि जब स्टेज पे मेरे से पहले सपना स्टेज के ऊपर, हमारी बीच में बात भी हो ली थी, सपना स्टेज पे पहुंच ही गई, क्योंकि उनको जाते ही वो रेगिस्तान में बैठे पगड़ी बांधे राजस्थान के, और एक टिब्बा था, उस टिब्बा पर ला रखा स्टेज, और चौगुर्दू ने ऐसे चारों तरफ बहुत ज्यादा, और स्टेज भी ऐसा था चारों तरफ, और जाल लगा रखे भी सपना आ रही है तो जाल होगी, तो वहां भाई मेरे को मैं डाडी वाडी उसी बड़ो रही, मगा मामला कौन पहचानेगा, मन में ये था कि राजस्थान में आगे पहला राजस्थान का ऐसा वो था, दर्शकों को बताना चाहूंगा हरियाणा बीच के दर्शकों को, तो वहां जिस टाइम पे सपना हो रही थी, तो मेरी एंट्री हुई, तो सपना ने खुद माइक में कहा कि एवरग्रीन स्टार देव कुमार देवा, लोगों ने देखा चिढ़ गया, कोई ताली नहीं, कोई ताली नहीं बज रही, सब मैं गैलरी से आते हुए स्टेज पर देख रहे, तो वहाँ भाई अच्छा, मन में तो ये लगता है कि भी हो गया, तो जब स्टेज पर चढ़िया दोनों हाथ ऊपर किए, तो सपना के ने माइक में बोला कि पांच पांच साड़ियों वाला, पांच पांच ये कहते ही पूरी पब्लिक में ताड़ियां किलकियां सीटी, और वो है क्योंकि उनको पहले, फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे कपड़ों से इन्होंने पहचाना नहीं, एक कलाकार उस तरीके से, तो वो अनुभव मैं हमेशा याद करता हूँ, स्टेज पर जाता जिस भी स्टेज पर जाऊँ तो पहले थोड़ा वो ठीक ठाक होकर जाऊँगा कदे ना पहचाने, तो वहाँ पहली बार हुआ, फिर स्टेज पर जाने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल है, ये कहा पांच पांच साड़ी, फिर तो लोग रुक के मारने लगे कि हुक्का भर लिया, हुक्का भर लिया भाई, बीनणी फलाना उनकी राजस्थानी उसमें, और मजा आया बहुत जबरदस्त, और सपना का इतना भारी स्टेज के ऊपर थोड़ी देर के लिए वो उन्होंने माइक पर बड़ा मेरा गुणगान किया, और उस गुणगान से तालियां और प्यार मिला जितनी देर स्टेज पर, आप बहुत जबरदस्त, लेकिन उस दिन एक सीख मिली, स्टेज पर ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना जो वीडियो में दिखते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो एक हरियाणा में जैसे जो क्रिटिक्स होते हैं, जो थोड़ी सी निकालते हैं कमियां निकालते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ये आरोप रहता है कि जो वर्डिंग होती है वो थोड़ी अश्लील होती है हरियाणी उसमें, तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर ये कहना कि वो उन लोगों को हम मिल गए,
जितने भी कलाकार हम मिल गए पंजाब में, ऑडियंस को बता रहा हूँ, सीधी आंख मिला के बता रहा हूँ, पंजाब में ए बी सी ग्रेड के तीनों ग्रेड के गाने बनते हैं। हमारे पास वही गाने आते हैं जो वहाँ के सुपर डुपर हिट हैं, इसलिए हमें लगता है कि वहाँ की वर्डिंग या कहीं की वर्डिंग बहुत अच्छी वर्डिंग है। यहाँ भी यही है, ए बी सी तीनों कैटेगरी बनती हैं। आप यहाँ पर कितने गाने हैं आप देखोगे, मेरे भी देख लो काबर लिया, या एक आधा गाना वल्गर भी हो सकता है, लेकिन और सब के भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। तो जो गाना की वर्डिंग खराब है उस पर मत लिखो, मत वो करो, उसको उस कलाकार को दिल से मत निकालो, वो अगला काम अच्छा करेगा। केवल मात्र हर कलाकार का फोन नंबर आपके पास है तो अच्छा बुरा इंडस्ट्री में चलता है, अच्छा भी चलता है बुरा भी, ये प्रकृति का नियम है। तो वर्डिंग तेरी नचाई नाचू, रामी रमेला जी ने कितना जबरदस्त लिखा, थारी भाभी लाड लड़ाई जा, राजीव राठी जी ने मेरे वाला गाना हुक्का भर लिया, ये सब ये चीजें बहुत जबरदस्त है। रामकेश जीवन पुराला की लेखनी जबरदस्त, ये कितने बढ़िया तरीके से ये लोग लिख रहे हैं। नरेंद्र गुलिया जी ने बहुत जबरदस्त गाने लिखे हैं, उन्होंने लिखे थोड़े लेकिन बहुत जबरदस्त लिखे, रूह को छू लेने वाले गाने लिखे। उन लोगों को प्यार जितना उसको वो दो लिखो, सब कुछ थोड़ा कमजोर हो तो एक आधा ऐसा शब्द लिख दो जिससे हम सीख लें। गालियां या यह चीज किसी कलाकार के नीचे कमेंट में लिखना, वो हमारी संस्कृति में हमारा, क्योंकि हम मेहमान का कलाकार का सबकी इज्जत और सम्मान करते हैं। तो जितने भी दर्शक गण मुझे देख रहे हैं, कलाकारों को आगे बढ़ाओ, बुरा काम करे तो आप फोन करके टोक दो, भाई इमकान कर लिया, आगे ना करिए, और अच्छा लिखो, और अच्छा करेंगे। एक सुखी लोकप्रियता के लिए वल्गर चीज ना लिखनी चाहिए आने वाली जनरेशन में, मेरे से भी कुछ हो गए होंगे उसके लिए माफी चाह रहा हूँ, लेकिन अच्छा ही करेंगे। अच्छा, एक जैसे पहले जो चलन होता था, जो मोस्टली जो सॉन्ग बनते थे वो होते थे जीजा साड़ी के, देवर भाभी के, अब जैसे थोड़ा सा बदलाव हरियाणा में आप मानते ना कहीं ना कहीं आया कि अब जैसे मियाँ बीवी के भी मतलब बन रहे हैं सॉन्ग, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले ये भी इस तरह के भी सॉन्ग आ रहे हैं। आप पहले क्या था कि हमने हरियाणा के दर्शकों ने ये महसूस करा दिया था कलाकारों को कि जीजा साड़ी देवर भाभी केवल मात्र यही यही हिट का फार्मूला है, लेकिन इससे बाहर निकल के कुछ कलाकारों ने ऐसा करने की सोची जिससे कि ये हुआ कि पंजाब की तरह सैड सॉन्ग भी आने लगे, पंजाब की तरह लव सॉन्ग भी आने लगे, आजा तेरे लाड लड़ाऊं वो पति पत्नी का कितना जबरदस्त हिट सॉन्ग, ये चीजें जो हर चीज पे लिखा जाएगा, हर विषय पे लिखा जाएगा, उसको हम ये मानते हैं कि वो इंडस्ट्री बन गई है। अब इंडस्ट्री बन गई, वो देवर भाभी जीजा साड़ी चलते रहेंगे, सदा चलते रहेंगे। हर स्टेट का एक फोक होता है और उस फोक में देवर भाभी जीजा साड़ी होते हैं, वो तो चलते रहेंगे, लेकिन अलग अलग चीजें लिखी जाती हैं। जैसे अभी मैं एक सैड, मैं पीछे भी आपके एक चैनल का वो था इंटरव्यू, उसमें मैंने एक सैड वो किया, ओ सुन के बोल तेरे मीठे मीठे मेरे जी में जी आ गया, इतने दिना के बाद रे बैरन क्यों कर मेरा राह पा गया, क्यों कर मेरा राह पा गया, किसे टेम भी याद तेरी ना दिल ते जाया करती, हवा के झोंके गल्या तेरी आहट आया करती, सोया था जो भाग मेरा आज दोबारा जाग्या, इतने दिना के बाद रे बैरन क्यों कर मेरा राह पा गया, क्यों कर मेरा राह पा गया। तो ये हमने हिम्मत करी है, इन चीजों को लिखने की हिम्मत करी है, अब इसको लेके भी आएंगे, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हरियाणा को एक नई दुनिया में लेके जाएंगे। लोग सैड सिचुएशन में उस चीज को लिख ही नहीं पा रहे थे, हमने उस चीज पर कोशिश की है, पूरे हरियाणा के कलाकारों ने कोशिश की, और भी दो तीन कलाकार साथियों के अच्छे सैड गाने आ रहे हैं, उसके अलावा डीजे के बहुत से गाने बन सकते हैं, लेकिन एक रूह को जो हमारी संस्कृति को झलकाने वाले गाने, जैसे रामकेश जी ने पहले आड़ा हवा पहले आड़ा पानी, ये क्या कमाल लिखा है, इसी प्रकार के राइटर लिखने लगे हैं। तो अब ये संस्कृति, ये मान के चलो, हर विधा में अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।
जैसा कि आपने बताया कि आपका जो दिल के करीब है सबसे ज्यादा तो हुक्का सॉन्ग है जी, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी वो चाहेंगे कि आपकी आवाज में सुने। हाँ, ये 2014 का बहुत बड़ा हिट गाना था, आपने सुना भी है पहले भी, मैं हर जगह इसके बारे में, तो ये एक रूह थी उके को लेके, उसको याद करना, महबूबा को याद, वैसे सैड था लेकिन डीजे बन गया, डीजे बन गया। खेच के मारा दम या सेलगी चलम, यो गम मन कम कर लिया, जब भी तेरी याद आई हुक्का भर लिया। खेच के मारा दम या चलगी चलम, यो गम मन कम कर लिया, जब भी तेरी याद आई होका भर लिया। ये क्योंकि होका भर लिया, उसकी याद आई तो होका भर लिया, और दूसरा नजर भर लिया, कुछ गलत काम नहीं, गलत काम नहीं करा, ये होका भर लिया जी, बिल्कुल जी। अच्छा, तो सर जानना चाहेंगे, जैसे हरियाणा में एक, जैसे मैं भी काफी मिलता रहता हूँ कलाकारों से, तो एक बात मेरे कानों तक भी पहुंची और काफी लोगों से मैंने सुनी भी है कि थोड़ा सा एक जलन वैसे कलाकारों में थोड़ा सा चल रहा है, खिंचाता नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। हरियाणा के कलाकार जो हैं अब काम मिलने लगे हैं, जब बेकाम कहीं भी होगा, अगर घर में पांच आदमी हैं वो ठाली होंगे, ठाली में समझो जिनके पास काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो वो खुरापात करेंगे, तो पहले ये खुरापात हो जाती थी, वो उसका गाना चल गया, क्यों हो गया, क्या हो गया। अब पूरी इंडस्ट्री में एक बदलाव आ चुका है, और कुछ एकाद जो पुरानी आदत जिसमें रह रही है उसकी उन्हें छोड़नी पड़ेगी ना, तो ये छानेवार आगे मतलब दिलेर आ गया और दो तीन कलाकार आगे, भाई आज जेल छोड़नी पड़ेगी, मिल जल करेंगे ना, तो भी सियासन को एक मिनट में खाली करवा दे, अब जनता ये भी करो सियासन खाली, तो ये कहानी है। अगर इंडस्ट्री मिल के रहेगी तो जिस टाइम पे बॉलीवुड की इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है, पंजाब की में कुछ एक साल अगर कलाकार के दो गाने ना चले, सिर्फ रिलेशन ते प्यार प्रेम ते वो कलाकार खड़ा रह सकता है। इसकी जीती जाती मिसाल मैं हूँ, क्योंकि मैं सीधा टीवी चैनल के ऊपर कह रहा हूँ कि पिछले साल मेरा कोई ब्लास्ट गाना नहीं आया, बड़ा गाना नहीं आया, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री ने लोगों के साथ मुझे जिंदा रखा, स्टेज मेरे नहीं टूटने दिए, पब्लिक से मेरा जो सीधा मौखिक व्यवहार था वो नहीं टूटने दिया, ये मेरे कलाकारों का प्यार है, हमेशा जुड़े रहे, और इसी प्रकार अगर सारे वो मिलकर रहे तो सारा इंडस्ट्री उठेगी। हर यहाँ सोचते हैं कि मैं ही हूँ, अगर कोई ये सोचता है मैं ही हूँ तो वो इंडस्ट्री को नुकसान कर रहा है। मेरा गाना चलेगा, भाई का चलेगा, उसका चलेगा, जब सबके गाने चलेंगे, हर साल में 10 से 15 गाने ब्लास्ट हिट होंगे, तो इंडस्ट्री में बड़े पैसा लगाने वाले आएंगे। अगर किसी एक व्यक्ति का गाना चल रहा है और सारे जेल इसके कारण डाउन किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सोचो कि वो इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान करेगा और बुढ़ापे में दुखी होगा अगर कोई ऐसा कर रहा होगा तो। एक्चुअली पता है, क्योंकि सर काफी लोगों से, जैसे मैं खुद छानेवाल की अगर बात करना चाहूँ तो उन्होंने खुद अपनी वीडियो भी पोस्ट की ऐसे डाल के, ऐसे मतलब मेरा सॉन्ग हटवा दिया, जो कन्या सॉन्ग था उनका सॉन्ग हटवा दिया, उस पे बड़ा दुख हुआ हमें भी, क्योंकि मेरी आज तक ना फोन पे ना किसी एक अवार्ड फंक्शन में थे हम, मिले नहीं, क्योंकि छोटा भाई है, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है, उस टाइम पे हमें भी दुख हुआ था। कन्या सॉन्ग जो एक सोशल सॉन्ग था, जबरदस्त सॉन्ग था, क्या जबरदस्त लेखनी करी, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें जो किसी ने भी ये खुरापात करी, किसी ने ये जेलिस करी, तो क्या छानेवाल रुका नहीं, बिल्कुल नहीं, भाग्य है, भगवान है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, इसी प्रकार भाई बढ़ता रहे, हरियाणवी को आगे बढ़ाता रहे। अच्छा, तो मैं जिक्र करना चाहूंगा एक छोटा सा आपसे भी, आपसे रिलेटेड, एक जुलाना में जो विवाद हुआ था, तो उसके बाद मतलब काफी लोगों में चर्चाएं चली, बातें हुई इस बारे में, जुलाना अभी वो सोल हो गया या फिर अभी थोड़ा कुछ है? जुलाना विवाद विवाद नहीं था, हाँ। ये दो भाइयों का आपस में मन भेद नहीं था, मत भेद ऊपर, जो मत भेद का मतलब है कि मैं जो समझाना चाहूँ था वो केडी भाई नहीं समझ पाए, और जो उनके अंदर की भावना थी वो मैं नहीं समझ पाया उस टाइम पे, उस स्टेज पे, उससे स्टेज से आने के बाद हम ऑफिस में बैठे, दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आई, और हम उसी प्रकार जो पहले थे उसी प्रकार, वो वहीं पे एक आध घंटे का एक एपिसोड था जो हम वहीं पे उसको खत्म करके आए हैं, और अब हम प्यार से दोनों मिलते बैठते हुक्का पानी पीते आपस में, बहुत वही प्यार है जो हमारा पहले था, और बहुत जबरदस्त है हमारी दोस्ती, प्रेम है एक दूसरे के साथ, हम बहुत बढ़िया तरीके से मिलकर रहते हैं। अच्छा, तो सर मैं अब इंट्रो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, तो कोशिश तो यही करो ज्यादा ना खींचो, जी जी बिल्कुल। तो सर आपसे मतलब जानना चाहेंगे सर, जितने भी आप हरियाणवी कलाकार हैं जो नए नए आ रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी
मैसेज ये है कि जितने भी नए नए कलाकार आ रहे हैं और जो हम लोग गलती किया, हमने जो गलती की वो आप न करें, अच्छी लेखनी को गाएं और अच्छे ट्रैक बनवाएं, हरियाणवी को मिलकर सपोर्ट करें और इंडस्ट्री को इंडस्ट्री समझें, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव रखें, उस प्रेम भाव को आगे बढ़ाते हुए इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बना सकते हैं। और आपके दर्शकों से बता दूं, जल्द ही मेरा और अनु कादियानी यानी कि एक के जट्टी का गाया हुआ गाना और उसमें सपना चौधरी ने फीचरिंग करी है मेरे साथ, एक्ट्रेस सपना चौधरी है, उन्होंने काम किया, जल्द ही सितंबर में बड़े प्लेटफॉर्म पे गाना आ रहा है, जो कि एक मशहूर रागनी थी, लोग ये सोचते वल्गर है लेकिन बहुत प्यारा, अगर देखोगे गाना निक्कर निक्कर, ये गाना बहुत जल्दी आ रहा है और जबरदस्त एक एक आदमी की भावना है, उस भावना को इसमें प्रकट किया गया है, बहुत जल्दी आपके बीच में, जबरदस्त टीआर भाई ने म्यूजिक दिया है, जबरदस्त गाना है, क्योंकि हरियाणा बीच पे उस टाइम पे भी आपसे जरूर मिलूंगा, उस गाने के प्रमोशन के लिए आप लोगों के पास जरूर पहुंचूंगा। और दर्शकों से निवेदन है कि निक्कर निक्कर जो गाना आ रहा है उसको पूरा प्यार दें और एक नंबर का अगर वर्डिंग को समझोगे तो वल्गर चीज कहीं नहीं मिलेगी, पूरा शुद्ध और फोक एक रागनी को हमने बड़े लेवल पे बड़े पैमाने पे लेके आए हैं, तो आप सबका प्यार चाहिएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए जी, लेकिन जाते जाते सर हम आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे, चाहेंगे कि एक बार और अपनी मधुर आवाज में मेरा फेवरेट, सर मैं अपनी दिल की रिक्वेस्ट है आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरा फेवरेट सर वो अटारी वाला सुना दीजिए सर, सलियाजा अटारी के। दिल्ली शहर की लादू चुनरिया, दिल्ली शहर की लादू चुनरिया, रह साड़ी रह हो साड़ी रे पहले आजा अटरिया, हो साड़ी रे पहले आजा अटरिया, जयपुर शहर की दीवा तो दुजूती, जयपुर शहर की दीवा तो दुजूती, रह साड़ी रे हो साड़ी रे तेरी बेबे कसूती, हो साड़ी रे तेरी बेबे कसूती। ये छेड़छाड़ थी जी, ये प्रेम था जिजा साड़ी का, बहुत पहले होता था और इसी छेड़छाड़ के साथ हरियाणा बीट्स के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरी तरफ से और एंकर की तरफ से राम राम, हरियाणा बीट्स को देखते रहिए, रंग जमा दे, धूम मचा दे हरियाणा बीट्स, धन्यवाद, जय हरियाणा जय हरियाणवी। Sponsored by ICS Coaching Center. सरकारी नौकरी की पक्की गारंटी।